सभी को जय श्री राम भाई। क्या हाल चाल? सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे यार। स्वागत एक बार फिर से हमारे मिंदा डेली ब्लॉग्स में। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं जा रहा हूँ पापा को AF फ्रेश देने के लिए। आज वो शायद लेट उठे थे तो इस वजह से पी नहीं पाए, तो मैं जा रहा हूँ। एंड बिंदा भी तक सो रही है और उसकी मम्मी तो 4 बजे ही जाती है। ये लाइट भी कोई बंद नहीं करी। मतलब भाई कितने लापरवाही लोग हो रहे हैं। लापरवाही नहीं चलेगी, लाइट बंद करो। सेव एनर्जी एंड सेव लाइफ। और गाइस भाई सुबह सुबह मतलब कल से तो बहुत रात मिली यार गर्मी में, क्योंकि भाई बारिश पड़ गई ना तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी मैं क्या बताऊँ तुम्हें। टेम्परेचर साला 47 डिग्री, 45 डिग्री से नीचे आ ही नहीं रहा था। बारिश पड़ गई तो भाई मज़ा आ गया। रात बारिश हुई थी बहुत अच्छी वाली। गाइस कल रात से भाई आरव की तबीयत भी बहुत ख़राब है और उसको अभी तक वोमिटिंग लग रही है। भाई रात भी वोमिटिंग हुई थी, गर्मी बहुत पड़ रही बहुत ज़्यादा। कल रात तो ऐसा हाल हो रहा था भाई हमारा भी, मतलब 1-1.5-2 बजे तक, मतलब 1-1.5 बजे तक भाई कभी इसकी पट्टी रख रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ रख रहे, तक उल्टी कैडी है इसका। आज इसका दिखाना पड़ेगा डॉक्टर का, भाई तगड़े वाला सीन हो गया। तो कल भी दिखाया था डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर ने इसको दवाई वाई दे दी थी तो नॉर्मल कर दिया था, लेकिन ये उल्टी वाली समस्या ज़्यादा बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं, आ जाता हूँ दिखाता हूँ उसको। बुखार है इसका कम से कम 103 के आसपास। और ये दादी भाई सुबह सुबह उठ गई हमारी दादी। दादी नाम राम। दादी कैसी हो दादी? सुबह सुबह मोबाइल चला रही हो हैं? जल्दी से जय श्री राम बोल दो। अभी इसको उल्टी तकड़ी वाली लगी भाई। गाइस अभी इसका टेम्परेचर नोट करता हूँ भाई, कितना है इसका टेम्परेचर थोड़ा। ये भाई इसको लो करके देना पड़ेगा, लो बेटा लगा के देख ले। वैसे एक बात है, इस पर भी नींद बहुत बढ़िया आई, एक नंबर की। पत्ता पता नहीं कैसे हमारे तक कमर में दर्द हो जा रहे हैं नीचे लगते ही। तो भाई अभी बोल चुका है, देखे कितना है इसका टेम्परेचर। ओ भाई अभी भी इसका 101.6 आ रहा है। मतलब गाइस बुखार है तकड़े वाला। मतलब कल रात तो बहुत ज़्यादा तकड़ा था, 103 के आसपास ज़्यादा था, अभी 101.6 है। तो शायद ही बना फिर डॉक्टर के रिंडी भी उठ गए भाई। सो गए रमेश भोंगा। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। तो ठीक है बेटे, बड़े मज़े ले रहा था ना, तो फेरी में जाऊँगा। आ आ आ आ निकल गया। आ आ और खाला बाहर की चीज़। ये सब भाई क्यों हुआ? इसका रीज़न है गर्मी, क्योंकि ये थोड़ा घर में कम रुकता था और इसको हम रोकते थे तो थोड़ा बाहर की चीज़ भी अवॉइड करवाते थे, लेकिन ये पता नहीं कैसे कर खा रहा था। इसकी मम्मी इधर से उधर हुई तो तुरंत। और गर्मी सबसे बड़ा मेन रीज़न है, गर्मी चढ़ गई इसके दिमाग में। आई होप अभी 2 दिन बच रहे हैं इनके घर जाने के, ठीक ठाक तरीके से ले जाने के बाद इनके घर वाले हमें सुनाओगे क्या क्या बढ़िया वाली। और कोई आया है मुझे आई थिंक लग रहा गेट पे। गाइस अभी आवाज़ से आई थी, कौन आया था पता नहीं, कौन आया शायद भाई मेरे कानों को धोखा हो गया हो। ऐसा मौसम हो रहा है इस टाइम बढ़िया वाला, फर्स्ट क्लास। मेरा जी कर रहा है कि मैं जाऊँ और जाकर 12 बजा का 3-4 कुत्ते मार लूँ बड़े बड़े, क्योंकि भाई कल रात जब बारिश हुई ना मौसम बिल्कुल बढ़िया हो गया। और ये अपने कुत्ते भाई कहाँ गए थे? बंदर की टोकरी में सो रहे थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा, बिस्कुट दूंगा साले। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा ओए आ जा आ जा आ जा। डरे ना, अरे डर रहा भाई, चल तू डरता है, हम क्या करें। इसके लाके इसके नाम के लाके मैंने बिस्कुट रखे थे भाई। अब ये नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा जबरदस्ती बुलाऊंगा इसे। बोल शंकर भगवान की जय। लाडले भाई मौसम भाई इतना खतरनाक हो रहा है इस टाइम पे, मैं क्या बताऊँ। अभी अभी मैं बिंदा को लेके आ गया और इनने भी हमारे साथ में आ गई। तो भाई बिंदा मोबाइल चला रही थी, मान नहीं रही थी, अब देखो कैसे मासूम सी बन के खड़ी हो गई। मम्मी ने भी तो मना किया ना मोबाइल के लिए। और आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ कॉलेज के साथ में क्या हुआ। ये देखो दिखाना बेटा, ये देखो, ये हाथ जल गया कॉलेज का। कल का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी, तो कल शूट नहीं कर पाया था मैं।
कल हमारे साथ में कल इतने सारे इंसिडेंट हुए, क्या बताऊँ मैं आपको। इसके हाथ जल गया, हारों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मुझे कसम से बता रहा हूँ, मैं आज मुझे थोड़ा सा होश सा मिला है, तो मैं कल भागा दौड़ी में इधर उधर उधर लग ही रहा था। और जो हमारी सिस्टर थी वो भी आज कल ही गई थी, तो वहाँ से मेहमान आए थे उसको लेने के लिए, तो भाई उसके चक्कर में भी लग रहा था। और यहाँ से आ रहा है भाई मौसम ख़तरनाक वाला बन के, उस साइड से आ रहा है भाई। ये देखो कितना मस्त एकदम व्यू है गाइस। और आज राहत है भाई गर्मी में, क्योंकि भाई कल हो गई बारिश रात को, तो भाई इतना मस्त लग रहा है एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला अविंदा। ये देखो भाई जो इसके पैनल वाले सपोर्टर है भैया, ये पूरे तरीके से तर हो चुके हैं बारिश में। हाँ बेटा कबूतर, अरे बढ़िया कबूतर, तो कुछ नहीं कहता कबूतर, तो अच्छा होता है। बुलाओ उसको, कैसे बुलाते कबूतर को बुलाओ ऐसे बुलाते हैं। और अपनी जो सोलर पैनल की प्लेट है भाई, ये भी साफ हो गई कल, तो मजा आ गया। अच्छा एक यहाँ बैठा कबूतर, अरे भाई जल्दी में ले लो तुझे। पापा खाते हैं कबूतर। अच्छा और हम क्या खाते हैं? हम अप्पा खाते हैं। विंदा को भी वही सब पता है, ऐसी नहीं है कप्पी से दीदी ठीक है। मैं वीरेंद्र को पापा मना कर रहा हूँ भाई, इसका हाथ मत लगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही भाई। करंट का हाथ लगा रही बार बार, पागल कहेंगे इसके तो साड़ा पकड़ लेगा साड़े को। अरे तेरी ससी, आइए अरे पकड़ आ रहा मुझे बंदर कहीं की, बंदरिया से मुंह की। पापा कन बंदर कन गोदा क्या कन बंदर कन गोदा ना करंट तो बंद नहीं है, खुल रहा है, पकड़ जा कान का थोड़ी से मुंह की। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ भाई मेडिकल स्टोर पे, इसके कुछ इलेक्ट्रॉल वेक्ट्रॉल लेने के लिए, क्योंकि इसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी निकलता हूँ मैं। लो भाई आगे मैं मेडिकल स्टोर पे, इलेक्ट्रॉल है भैया इलेक्ट्रॉल और ओआरएस दे दो एक पैकेट और दो पैकेट इलेक्ट्रॉल के। ओके तो भाई रास्ते में ठंडी जिद कर रही थी कि मुझे जाट कुलिस दिखा लाओ, तो भाई मैं यहाँ ले आया था जाट कुलिस में। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। फिलहाल हमने इलेक्ट्रॉल वगैरह इलेक्ट्रॉल तो ले लिया, अब जाएंगे जाके उसे करूँ। देखा लूडी ले मार रही कितनी बड़े लूडी आया और के आया आदमी। देखो गाइस किसकी डालत है यार। गाइस आप मेरे जो मामा है ना बहुत ज्यादा कॉमेडी करते हैं, इसलिए मेरा फेवरेट है। अब चलो ये पास कर निकल जा मामा ने एक बार उड़ा सकता है ऐसे जो होती यार। तो भाई अभी हम जा रहे हैं घर, रुक जा मैं घूमता हूं, जा घूम का मैं चेतूंगी ना रेड रूम से कुछ कहा था। किसने? इन्होंने। किन्होंने? जाट कॉलेज वालों ने। अच्छा ठीक है, चेत दिए क्या होगा, हवा नहीं कटेगी। देखे ये तो कौन देखे मैं। तो देख लेते मैं घूम के आती हूं। तुझे उनका क्या मतलब है, ये मेंटली हैगी पागल सी मूवी। हाँ घूमे जा, पता भाई नुका देखे तो कुछ क्या आएगा जब हम कटे। कितना भयंकर मौसम हो रहा है, पीछे का देखो क्या व्यू है भाई, उतरी भाई जी भाई जी सारा भाई मेरे तारी बब्बी का फोन आ लिया इन टाइम पे। तो भाई रिनी जिद कर रही थी कि मामा आम भी चाहिए, ले ले बेटा सब तो मैं ही कर रही हूं। गाइस मुझे ना बदनाम कर रहे हैं। अच्छा बदनाम करने को है क्या, खाने की चीज़ है खाने में क्या बदनाम होना। लो भाई आम भी ले ले इन बाड़कों की खातिर, हमने ये बाड़क हमारे बहुत बढ़िया है। चल बेटा बैठ, हाँ बैठ कहाँ ठीक है बैठ। तो भाई अभी हम जा रहे हैं इसकी सीट बीट लें, पता नहीं क्यों हमने सीट बता दी मैं बाइक बंद होगी मैट, तो कमी आ रही है इसमें। बारिश आ गई, बारिश आ गई, भाग लो जल्दी से। तो भाई जो कोई बच्चा बाहर की चीज़ खावे अब जो नहीं मानता उसका यही हाल हो रहा है। अब इसका लगेगा इंजेक्शन, तो इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा। क्यों अब देखे अब लगेगा ना, पता लगेगा डॉक्टर साहब बैठे अंदर बता देंगे। चल भाई चल चल अंदर डॉक्टर साहब के दूर, चल चल लगेगा तो भाई, भाई बिना लगे काम नहीं चलेगा। चलो भाई बैठ जा, उल्टा लेट उल्टा चूर उल्टा लगा हुआ लेट जल्दी उल्टा आया ही कर रहा भाई, ठोक दस साले का इसका।
बाजार बाजार का नहीं फोन वगैरह बाजार बाजार का बंद रखना। हाँ और जो लगा तो इधर दोगा वरना पता नहीं लगा तो भाई लगा था सही है। आहा गरम मसाला सही लगा भाई गाइस भाई मैं भी जस्ट पार्किंग में से आया हूँ। सिस्टर का जो लड़का है भाई उसकी भाई इंजेक्शन लगने के बाद भी तबीयत टस से मस नहीं हो रही तो भाई कब तबीयत उसकी तो मैं भी जा रहा हूँ डॉक्टर के जगह और तो उसको शायद वहाँ लेके चलता हूँ। लाओ दो मिनट टोपी दे दो मैं जा रहा हूँ ठीक है। दही भी ठीक रहे ठंडी रहे तो भाई डॉक्टर बैठे का 5 बजे ये कह रही 5 बजे चलना इतनी देर से पाँव पाट रखे मेरे कि अभी चलो अब बता सही 5 बजे बैठे हो तो ऊपर बैठे हैं ऊपर रह गए हो तो जाएगा वो फिर इमरजेंसी पर चलेगा 5 बजे चलेगा चल तो ठीक है नहीं तो भाई जल्दी से 5 बजे जाएंगे अभी इसके थोड़ा बहुत आराम लग रहा है तो ये थोड़ा टेंशन आ रहा है क्या और तो दे रही तू हाँ नींबू पानी जोड़ देना। तो भाई अभी डॉक्टर के आ चुके हैं भाई इसका बुखार बहुत तेज़ था लड़के का तो पर्चा बनवा दिया मैंने। हाँ ये लो जी डॉक्टर साहब बैठे चलो भाई डॉक्टर साहब बैठे बढ़िया हुआ तो अभी पर्चा लगवा दिया भाई बस समझा इनका दिखाना है पहली बार देख रहा आगे चलो भाई बैठे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब नमस्कार बैठ डॉक्टर क्या तो गाइस अभी भाई आ रहा है वो एडमिट कराना पड़ गया है हालत बहुत ज्यादा खराब बता रही डॉक्टर साहब बड़ी दिक्कत हो रही लम्बे कल से ही अब हो जाएगा तो ठीक टेंशन ना ले बेटा लगा दी ड्रिप इसका हैं अरे बहुत जल्दी लगाई चल आ लिया मैं भी हैं हाँ आ लिया मैं आ लिया चल भाई टाइम देख लो अभी हो रहे हैं 9:15 और आरव भाई डॉक्टर ने कह दिया कि आज की रात आरव के नाम चाउमीन भी खिलाएंगे फ्रूटी भी पिलाएंगे और टिक्की भी खिलाएंगे डॉक्टर ने खुद कहा ठीक है खा लेता थोड़ी सी था पहले छुट्टी तो भाई फिलहाल अभी डॉक्टर कह तो रहा छुट्टी के लिए लेकिन सुबह फिर बुलाया अभी पहले मैं पूछ लेता हूँ कि भाई इसको क्या देना खाने में क्या नहीं देना ठीक है और ये देखो पूरी दुखानी से भाई यहीं होगा मैं हम लोग ठीक हो जाए बढ़िया बात क्या था है नहीं क्या सब मंगोड़े से मार रहा तेरी साल का। तो भाई इस टाइम हो रहे 9:30 और भाई चिप्स कोल्ड ड्रिंक चल रही आरव का बड़ा मन कर रहा या तो अपना लेके पहली बैठ गई ने कहा तब पार्टी चल रही है आओ भाई सब भी ले लो यार हमारे साथ एंजॉय कर लो आज हॉस्पिटल में देखो भाई अपना ऐसा है अपना ऐसा सिद्धांत है अपना कहीं भी शुरू हो जा ऐसी बात नहीं। क्या कह रहा तू तुझे तुझे रे चुप हो जा भाई अब देखो सामने घड़ी में 10:00 भाई फिलहाल इसकी हमने ड्रिप हटवा ली अभी घर की तरफ चल रहे ये देख लो शाम के 3:30-4 आए थे अब 10:00 जा रहे सारा सामान हमने ऑलरेडी सारा सामान ले लिया और ये डिस्पोजल छोड़ रखे इनके नाम के यहाँ बैठ कर रात को दारू वारू पी लेंगे चलो भाई चलो भाई पंखे बंद कर लिए अपने गाइस भाई अभी नहा धो के अभी जस्ट अभी बैठा हूँ फ्रेश एकदम और भाई आरव देखो आरव यहाँ पे लेट रहा है हैं बेटा देख ले बिंदा लिमका मांग रहा है बीमार पड़ा हुआ है अभी लिमका मांग रहा है क्या कहना चाहोगी तुझे हम तेरा इलाज नहीं कराएंगे तो गाइस देखो वृंदा को भी इसे देख के इतनी समझ तो आ गई अब वृंदा भी अगर जिद करेगी ना तो भाई हम इसको सीधा वहीं करा देंगे डॉक्टर के पास ठीक है बेटा कोई बात नहीं कर लें दे अब ठीक हो जाएगा जब तो पिएगा हो जाएगा।
तो भाई हम एग्जैक्ट टाइम पे आ गए, ठीक टाइम पे आ गए, 10 बजे के आ गए थे, 10 मिनट हो गई है। आशरी कुछ कहना चाहेगी? ये मामे को दिखा दो। बोल क्या कहना चाहेगी? मैं तो पीता हूँ लेकिन मैं बाहर पीता हूँ, बच्चों के सामने नहीं पीता हूँ। मैं तो खाऊंगी। क्या खाओगे? जो आप आएंगे। क्या लाता? ची बटाटो। ये बटाटो वो खाओगे? हाँ। डॉक्टर के पास भी तो आपको जाना पड़ेगा। ची बटाटो जाना तो पड़ेगा बेटा। खाओगे? ची बटाटो। अच्छा चल तो ठीक है, ले तो एक कॉफी। ठीक है कॉफी ले ले। अच्छी सी गाइस को भी दे दे, गाइस को, गाइस को दे दे, गाइस को। तो गाइस हम मिलते हैं आपको आज के लोगों से फिलहाल में। मुझे आ रही काफी नींद। पापा की बताओ। ठीक है मुझे आ रही काफी नींद भाई, क्योंकि मैं सुबह से ही भागा दौड़ी में लगा हुआ हूँ। और देख रहे हो तुम्हारे भाई के चेहरे पे आजकल चमक आ रही है, हैं आ रही है चमक? तो भाई उसका राज मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही सीक्रेट राज है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस।